नमस्कार, देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले देखते हैं खबर की सुर्खियां। नान्हे लड़का सुरक्षा योजना पर हुई कार्यशाला, नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करने पर दिया गया जोर। रामनगर के व्यापारियों ने किया मेयर हाउस का घेराव, रामनगर में बनी दुकानों के आवंटन का कर रहे हैं विरोध। जाम होने वाले कई सड़कों को किया जाएगा वन वे, सुरक्षा गार्डों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। डीईओ ने लिया रायपुर जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक, शिक्षा गुणवत्ता को निखारने दिया गया टिप्स। अब खबर विस्तार से। राजधानी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नान्हे लड़का सुरक्षा योजना के अंतर्गत बुधवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ मंत्री अजय चंद्राकर ने किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों समेत स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े लोगों की योजना की जानकारी दी गई। राजधानी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नन्हे लड़का सुरक्षा योजना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री अजय चंद्राकर थे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के संचालक रानू साहू ने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के विभागीय अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी समेत स्वास्थ्य योजना से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षकों द्वारा योजना की जानकारी दी गई, साथ ही नवजात शिशु सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित भी किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि वर्तमान में जहां देश में नवजात मृत्यु दर 34% है, तो वही राज्य में यह संख्या 39% है। नवजात शिशु सुरक्षा के लिए ऐसी कार्य योजना बनाए अपने प्रदेश में जिससे कि हम शिशु मृत्यु दर को कम कर सकें। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर 39 है, भारत सरकार में ये 34 है, लेकिन हम भी ऐसे कार्य योजना बनाकर हम इसको और भी कम करना चाहते हैं और हमारा टारगेट 25 तक लाने का है 2020 तक। तो इस क्षेत्र में प्रयास करने के लिए 2 दिन का ये कार्यशाला रखा गया है जिसमें उन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी जिससे अंतर्गत इनके प्रयासों को से हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमारे सारे जिले के CMHO सिविल सर्जन भी हैं, भारत सरकार से भी लोग, एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं और प्राइवेट के लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यशाला के पहले दिन प्रशिक्षकों ने नवजात शिशु मृत्यु दर लगातार कम करने के लिए निर्देशित किया गया, साथ ही उन्हें राज्य में ये संख्या 25% तक करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि नन्हे लड़का सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये अभियान चला जा रहा है कि नवजात शिशु के मृत्यु दर संख्या पर काबू पाया जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य से लेकर शिशुओं के आहार पर भी काम किया जा रहा है ताकि शिशुओं की सुरक्षा पूरी तरह से की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। कांग्रेस ने अब रायपुर के सभी विधानसभा सीटों पर अपनी संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इसकी शुरुआत में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी PL पुनिया पहुंचे थे। अब इसके समापन पर कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी को आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की संकल्प यात्रा झीरम घाटी से जगदलपुर पहुंचकर खत्म नहीं हुई है। अब यह यात्रा प्रदेश के चारों दिशाओं से निकाली जा रही है। भाजपा को हर मोर्चे पर जवाब दे रही कांग्रेस के लिए संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाने पार्टी जुट गई है। भाजपा की विकास यात्रा को सजाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए। इन दोनों के कार्ड कांग्रेस के पास केवल राहुल गांधी है, इसलिए संकल्प यात्रा के दौरान या समापन में राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। विकास यात्रा हो या सीडी कांड, हर मोर्चे पर भाजपा को कांग्रेस आक्रामक तरीके से जवाब दे रही है। अश्लील सीडी कांड में पहले जिस तरह से भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की, अब उतने ही मजबूत तरीके से कांग्रेस पलटवार कर रही है। न केवल बयानबाजी और सोशल मीडिया में तीखे संदेश डाले जा रहे हैं, बल्कि सीडी कांड में सरकार भाजपा नेताओं और CBI को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता कथित तौर पर खुदकुशी करने वाले व्यवसायी रिंकू खनुजा के घर तक पहुँच गए। आज हमारा 82 विधानसभा का संकल्प शिविर सम्पन्न हो जाएगा और ये 2 अप्रैल से चलने वाला जो संकल्प शिविर है वो लगातार पूरे प्रदेश भर में चला और सारे वरिष्ठ नेता प्रत्येक विधानसभा में गए। ये बड़ी उपलब्धि है, जहाँ कार्यकर्ता नेता का चक्कर लगाते हैं, इस समय इसके ठीक उलट हुआ। सारे नेता सभी क्षेत्रों में गए हैं और लाखों कार्यकर्ता से, लगभग 2.5 से 3 लाख कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात हुई है। तो ये
जबरदस्त सफलता मैं मानता हूँ। और कार्यकर्ताओं को भी केवल चुनाव के समय पूछा जाता है, अब उसके पहले ही सबको जिम्मेदारी दी गई है, सब अपनी जिम्मेदारी के एहसास भी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के लिए तैयारी जबरदस्त हमारी है बूथ लेवल पर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ सुसाइड स्पॉट का मुआयना भी किया गया। कांग्रेस नेता खुद मान रहे हैं कि सीडी कांड में तो उनकी पार्टी तगड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन विकास यात्रा के काट में कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के पीछे पीछे कांग्रेस के नेता विकास खोजो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यह उतनी प्रभावी नहीं है। इस कारण संकल्प यात्रा में कांग्रेस ताकत दिखाना चाहती है। 25 मई को झीरम घाटी कांड की 5वीं बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने संकल्प यात्रा निकाली थी, उसी जगह से जहां कांग्रेस नेताओं के काफिले पर 2013 में नक्सलियों ने हमला किया था। ये यात्रा जगदलपुर पहुंचकर खत्म कर दी गई थी। अब संकल्प यात्रा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है। एक रथ और टीम के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने पर समय लगेगा। विधानसभा चुनाव करीब है, इसके लिए 4 रथ और नेताओं की 4 टीमें बनाई जा रही है। 4 दिशा से शुरू होने वाली यात्रा का संगम रायपुर में हुआ, यहां संकल्प सम्मेलन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। रामनगर के व्यापारियों ने महापौर निवास का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने मेयर प्रमोद दुबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही नए बने दुकानों को अपने समर्थकों को आवंटित करने का आरोप भी लगाया। बुधवार को रामनगर के व्यापारियों ने महापौर निवास का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने मेयर प्रमोद दुबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही महापौर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ये वो फुटकर व्यापारी हैं जो वहां सब्जी समेत अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं। इनका कहना है कि जब उन्हें वहां से हटाकर दुकानें बनाई गई तो कुछ ही लोगों को दुकानें आवंटित की गई। वहीं मेयर ने अपने समर्थकों को दुकानें गुपचुप तरीके से आवंटित कर दी। इस दौरान मेयर भी वहां पहुंचे, जिन पर व्यापारियों ने अपना गुस्सा निकाला। देर बाद मेयर ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। हम लोग रामनगर बाजार की समस्या लेकर आए थे, वहाँ इनको आवंटन किया जा रहा है बाजार पसरा, वो सब नए आदमी का आवंटन किया जा रहा है, पुराने को कुछ नहीं दिया जा रहा है। पुराने लोग सब अभी महापौर के ज्ञापन सब अपने आए थे, अभी बचे हुए हैं करीब करीब 50-60 पुराने बचे हुए हैं। हाँ, बाकी सब नए आदमी आ गए हैं, पुराने बचे हुए हैं 50-60। रामनगर के बाजार का मामला था और जिन लोगों की सूची बनी है उस सूची में नए लोगों का नाम सम्मिलित कर लिया गया है, ऐसा इनका बताना है। अभी जोन कमिश्नर से बात की जाएगी और चूँकि वहाँ नया बाज़ार बन रहा है, व्यवस्थापन करना है, अव्यवस्थापन व्यवस्थापन में क्या हो सकती है, इनकी सारी चीज़ों को अभी त्रिपक्षीय वार्ता कराने का हमने निर्णय लिया है। जोन कमिश्नर को भी बुलाया जाएगा, सारे लोगों को बुला करके, जो भी चूँकि हमको बाजार सड़क से हटाना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सब लोगों को जगह मिल जाए ये हमारा प्रयास है और किसी को वहाँ से बेघर नहीं किया जाएगा, या किसी जो बाजार लगाने वाले हैं उनको भी कैसे हम जगह दे पाएं, इसके लिए बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि वहाँ वर्तमान में 60 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें वहाँ से सिर्फ आधे व्यापारियों को ही दुकान मिली है। इससे व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में घंटों प्रदर्शन करने के बाद मेयर से मिले आश्वासन के बाद वे शांत हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। आखिरकार कई सालों बाद सुभाष स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। 14.5 करोड़ रुपए में बने स्टेडियम में सभी खेलों को खेलने की सुविधा होगी। अब स्टेडियम के लोकार्पण का इंतजार किया जा रहा है। नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष स्टेडियम के निर्माण कार्य के पूरे होने की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि राजधानी की शोभा में सुभाष स्टेडियम 4 चांद लगाएगा। 14.5 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। इसमें 1500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और 400 बाइक पार्किंग की व्यवस्था की तैयारी की गई है। स्टेडियम के भीतर 1,00,000 वर्ग फीट स्थान में घास लगाकर खेल का मैदान तैयार किया गया है। इसके बड़े हॉल में 168 खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। यहां बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आउटडोर और बैडमिंटन समेत अन्य ओलंपिक खेलों की व्यवस्था की गई है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स को भी बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था कराई जा रही है। स्टेडियम के स्वरूप को और भव्य बनाने के लिए बगल में कबाड़ का जुगाड़ गार्डन तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। सुभाष स्टेडियम जिसकी कल्पना
लोग किया करते थे, खासकर रायपुर शहर के खिलाड़ी, उनको भरपूर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और 50 लाख का अलग से फंड इसके लिए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए रखा है कि जिसका ओलंपिक में सिलेक्शन होता है, नेशनल गेम में जिसका सिलेक्शन होता है, उनको डाइट के तौर पर भी हम उनके ये मुहैया राशि के द्वारा या उनके डाइट के लिए मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी यहाँ स्टेडियम था, लेकिन जर्जर होने की वजह से उसे पूरा तोड़कर नया और बड़ा बनाया गया। निर्माण कार्य के दौरान ये स्टेडियम लगातार विवादों में रहा। स्टेडियम को और सुंदर बनाने दीवार पर सुभाष चंद्र बोस का विशाल चित्र बनाया गया है। फिलहाल नगर निगम ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से समय भी मांगा जा रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसके लोकार्पण के लिए कब की तिथि तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।